तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये मैंने एक फ्रेमवर्क का क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें हमको देखने रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि हमको सेल्स लेजर और परचेस लेजर दोनों कंट्रोल अकाउंट बनाने हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से। सबसे पहले मैं आके बनाऊंगा फॉर्मेट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ये मैंने बना लिया फॉर्मेट। अब मैं यहां पर लिख दूंगा बैलेंस बीडी, डेबिट पेबल लिख दूंगा और क्रेडिट पेबल लिख दूंगा। ये मैंने बैलेंस बीडी लिख दी दोनों तरफ। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन के शुरू में मुझे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ से मुझे बताए हुए ये डेबिट पे कौन सा आएगा और क्रेडिट पे कौन सा आएगा। अगर यहाँ ना भी लिखा हुआ होता तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा वाला है ये डेबिट पर आएगा और जो छोटा वाला है वो क्रेडिट पर आएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस पीडी लिख देते हैं। तो 200, 040 और 56 ये लिखा मैंने 200, 040 और ये आ गया मेरा 56। तो डेबिट वाला मैंने डेबिट पर लिख दिया, ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट वाला मैंने डेबिट पर लिख दिया और क्रेडिट वाला मैंने क्रेडिट पर लिख दिया। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो दी हुई ये हमको दी हुई परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट की, तो वो हम अब बाद में बनाएंगे इसलिए अभी हम नहीं लिख रहे। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है एक्टिविटीज ड्यूरिंग द हाफ ईयर, यानी कि ये हम 6 महीने का बना रहे हैं फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। लिखा हुआ है पेमेंट टू ट्रेड पेबल, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है अभी इस वक्त, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये हमारे लिए भी रेलेवेंट है। और चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स यानी कि ये बैंक है। और ये कितनी अमाउंट दी हुई हमको, ये हमको देखिए पेपर में आप स्केल रख लीजिएगा ताकि आप ऐसे देखिए ट्रेसिंग कर सकें, इस तरीके से आपकी ट्रेसिंग हो सके। ये आप नंबरिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, इसको बोल दीजिएगा 1, इसको बोल दीजिएगा 2, 3, ऐसे यहाँ पे भी नंबरिंग डाल दीजिएगा 1, 2। तो आपको ट्रेस करने में आसान होगा कि ये जो पेमेंट है ये किस स्टेटमेंट के सामने कौन सी पेमेंट आ रही है। तो चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है 119930, 119930 या हमारी बैंक आ गया। इसके बाद लिखा हुआ है परचेजेस ऑन क्रेडिट, तो ये अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। फिर है सेल्स ऑन क्रेडिट, ये हमारे लिए रेलेवेंट है क्योंकि ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आएगा। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद होगा तो आप आसानी से इसको पढ़ के फॉर्मेट में अपने प्लेस करना होता है। तो कितनी सेल्स है 124600, यहाँ लिखा मैंने सेल्स और ये कौन सी सेल्स है क्रेडिट सेल्स, और कितनी अमाउंट है 119930, 119930 ये मैंने क्रेडिट सेल्स लिख दी। उसके बाद में आया बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मुझे नजर आ रहा है तो ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ यहाँ पर आएगा और इसकी अमाउंट है 204, क्रेडिट सेल्स की फिगर मैंने गलत लिख दी है, क्रेडिट सेल्स की फिगर है 124600, 124600। फिर आपके पास बैड डेट्स आ गई आपकी 204 की, तो बैड डेट्स कंट्रोल अकाउंट में सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आती है, लिख दिया मैंने 204। पैडेट्स के बाद अगर मैं गौर करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड जो है उसकी फिगर है 3480, डिस्काउंट अलाउड आपका क्रेडिट साइड पर आ जाता है और इसकी अमाउंट है 3480। डिस्काउंट अलाउड भी हो गया हमारा, बैड डेट्स भी हो गया हमारा।
अब है हमारे पास रिटर्न इनवर्ट्स यानी कि सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट कितनी है यानी कि रिटर्न इनवर्ट्स की अमाउंट कितनी है, ये है आपकी 2850। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न इनवर्ट्स एंड द अमाउंट इज 2850। आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना होता है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आपने नंबरिंग कर लेना ज़रूरी है, आपने स्केल से आपने ट्रेसिंग करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे देखें मुझसे गलती हुई थी तो देखें कितने प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको पूरा क्वेश्चन में जो ना आंसर आपके सही मैच नहीं हो रहे होंगे। फिर है रिटर्न इनवर्ट्स के बाद है आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये बैलेंस सीडी यहाँ पर आएगा, क्योंकि जिस सीडी को जिस तरफ बीडी बनना होता है उसको हम वही नाम देते हैं, इसलिए इस पर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस। और ये बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है हमको, ये देखेंगे मैं ट्रेसिंग कर लेता हूँ, ऐसे 240। तो ये आ गया आपका 240। उसके बाद ये परचेस लेजर के बैलेंस, जो मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी मतलब ये है कि वो परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट से बिलोंग करती है, इसलिए इसको मैंने इग्नोर किया। फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द बैलेंस इन सेल्स लेजर अमाउंटिंग टू 438 वर ट्रांसफर टू परचेस लेजर। ये होती है काउंटर शट ऑफ। ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है कि मैं एक बंदा कस्टमर भी है और वो बंदा मेरा सप्लायर भी है, तो इसको काउंटर शट ऑफ कहते हैं। तो ये है आपकी 438, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ट्रा या शट ऑफ बोल रहे हैं इसको, और इसके अमाउंट है 438। फिर आपके पास आए नीचे तो और इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर आप टोटल कर देंगे इसका, इस साइड का टोटल करेंगे और जितना टोटल यहाँ पर आएगा वो टोटल आप यहाँ पर लिख देंगे, और इसका का टोटल इसमें से करवाएंगे माइनस, तो आपको क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। और एक बार याद रखिएगा कि बैलेंस सीडी ये यहाँ पे बनेगा, बैलेंस बीडी ये आपने ज़रूर बनाना है, इसका मार्क्स होते हैं, और ये जो बैलेंस सीडी है ये बनेगा इधर बैलेंस बीडी। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सारी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हम ये टोटल करेंगे तो क्या इस बैलेंस सीडी को शामिल करेंगे इस टोटल में, तो जी हाँ इसको भी हम शामिल करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, प्लस इसको प्लस करेंगे, प्लस इसको प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर वही वाला आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर इसमें से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इन सबको प्लस करा के माइनस कराएंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा, और फिर हम दोनों सीडी इसको बीडी बना देंगे, ये वाला सीडी इधर बीडी बन जाएगा और ये वाला सीडी इधर बीडी बन जाएगा। तो ये था आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब हम क्या बनाने वाले हैं, देखें ये लिखा हुआ है परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाना है, तो अब हम परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे थे। ये परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये दोनों तरफ लिख दिया मैंने बैलेंस बीडी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, इधर मैंने साइन बनाया डॉलर का, और ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस बीडी लिखना है, ये हमको दिया हुआ है, एक दिया हुआ 12 और एक दिया हुआ 14860। तो जो 12 है वो आपका आ जाएगा डेबिट साइड पर और यहाँ पे आ जाएगा 14860। देखिए मैंने बताया था अगर आपको दो बैलेंसेस दिए हुए हो तो छोटा वाला यहाँ पर आएगा और बड़ा वाला यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर है लायबिलिटी,
और लायबिलिटी की नेचर हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। और देखें इसके अंदर बड़ा सेल्स लेते कंट्रोल अकाउंट में बड़ा वाला बैलेंस देखें डेबिट साइड पर आया, क्योंकि ये मेरा एसेट है और एसेट की नेचर जो होती है वो डेबिट नेचर होती है, इसलिए यहाँ पे आया था बड़ा वाला बैलेंस। और देखिए यहाँ पे इसने मेंशन भी किया हुआ कि डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। अगर ये ना भी मेंशन करता है तो भी हम समझ जाते हैं, क्योंकि लायबिलिटी जो है उसका नेचर क्रेडिट होता है। अब देखें पहली ट्रांजेक्शन लिखी हुई पेमेंट टू अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल बोले, क्रेडिटर्स बोले, ट्रेड पेबल्स बोले, ये सब बराबर है, एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है, 93685। मैं आया नीचे, ये लिखा मैंने बैंक 93685, ये लिख दिया मैंने बैंक, यानी कि ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स या डेबिट साइड पे आता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल फॉर्मेट से लिख रहा हूँ मैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये फॉर्मेट मैंने बनाना सिखाया था। अगर हम ऊपर चले परचेस लेते कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट है, ये देखें देखें पेमेंट टू सप्लायर, देखें यहाँ पर आ रहा है सप्लायर यानी अकाउंट पेएबल। और ऊपर देखें ये सेल्स लेते कंट्रोल अकाउंट टू भी आपको मैंने फॉर्मेट सिखाया था, तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, और आप भी एग्जाम के अंदर यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अच्छा, दूसरा आपका आ गया परचेजेस ऑन क्रेडिट, तो ये आपकी कितनी आ रही है 95580। तो परचेजेस जो हैं वो आप कहाँ लिखते हैं, परचेजेस आप लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। याद रखिएगा ये क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज नहीं है, 95580 ये आपका आ रही है परचेजेस। कैश परचेज कंट्रोल अकाउंट में नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। फिर आपके साथ नीचे आए हम तो ये लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव, ये देखें ये लिखा हुआ, उसकी अगर मैं फिगर ट्रेस करता हूँ तो ये कितनी नज़र आ रही है मुझे 2850, ये लिखा मैंने डिस्काउंट रिसीव। और याद रखिएगा ये कैश डिस्काउंट है, ये क्या है, ये मैंने जब फॉर्मेट पढ़ाया था कंट्रोल अकाउंट का तब भी मैंने बताया था कि ये कैश डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो खाली कैश डिस्काउंट को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कैश डिस्काउंट ही है जो यहाँ पे हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया 2850 के जो अमाउंट है ये वाली। डिस्काउंट रिसीव मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरे पास है रिटर्न आउटवर्ड्स, ये रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब ये कि परचेज रिटर्न है ये, और ये कितनी है, ये है 1063। तो परचेज रिटर्न भी अगेन डेबिट साइड पर आएगी, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। और कितनी फिगर थी रिटर्न आउटवर्ड की, रिटर्न आउटवर्ड की फिगर थी 1063, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी 1063। उसके बाद अगर हम आ जाएं आगे तो ये देखिए लिखा हुआ है परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना अमाउंट है इसका, इसका अमाउंट डाला है 26। तो देखें ये लिखा हुआ डेबिट बैलेंस, तो यानी कि ये क्रेडिट में आएगा, ये आएगा इधर 26, क्योंकि मैंने बताया था कि बैलेंस सीडी अगर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस तो ये क्रेडिट में आता है, अगर लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस तो ये डेबिट साइड पर आता है। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कॉन्ट्रा सेट ऑफ, ये 438। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ ये वो अमाउंट है जो कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी आएगी और आपकी यानी इसमें भी आएगी और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट दोनों में आएगी, इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, तो इसके अमाउंट है 438। तो ये देखें मैंने लिख दिया 438 और ये लिखा मैंने कॉन्ट्रा स्लैश सेट ऑफ, देखिए यहाँ पर भी आ रही 438
और ये देखिए इधर भी आ रही है 430, ये देखें इससे लेते हैं कंट्रोल अकाउंट में, इसमें क्रेडिट साइड पर आती है और परचेज लेते कंट्रोल अकाउंट में, ये डेबिट साइड पर आती है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा टोटल, नहीं इसको इसको उसको प्लस करके यहाँ लिख दूंगा, फिर जो भी अमाउंट आएगी उसको प्लस करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये प्लस करने के बाद फिर मैं ये सब को टोटल करके इसमें से करवाऊंगा माइनस, तो जो आंसर आएगा मेरा वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। और ये जो सीडी आएंगे दोनों तरफ क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे बैलेंस बीडी, यानी ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। इसके पेपर में मार्क्स होते हैं ये बात याद रखिएगा, लिहाजा इसको हमें हर हाल में रिकॉर्ड करने करना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा।